सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, 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 भायड़ी रे सत्य बोलो भायड़िया तन तन लाइन लागो, लगातार घंटियों का बजना सीधे आकर मेरे सर में टकराती है। दो घंटों से ज्यादा का पूजा पाठ, पता नहीं कितने बामन जुटे हैं। खूबसूरत लग रहा है मंदिर, ठाकुर साहब के तेरहवें की पूजा। बेचारी दमयंती घस खाकर गिर पड़ी। एक वही है जो बहुत अकेली पड़ गई। हाँ बस वही तो एक है जिसे अपने बाबूसा से इतना प्यार था। शुक्र है घर में कोई नहीं। कुछ खाने को आई थी, मासा ने देख लिया तो क्या, खुद का उपवास है तो हम सब भी भूखे मरे। बेरहम बुढ़ी कोंचती रहती है हमेशा। पर आज उसे कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे सफाई से मिठाई सरकाई है। धापा भाई थोड़ा मेरी छोरी के लिए भी दे देना। हाँ हाँ ले जाओ ना, ले जाओ, ये ले लड्डू ले, ले कचौड़ी भी ले। इतना? अरे ले जा, उसे कुछ नहीं पता चले। अरे रुकमा, अभी आ जाएंगी नानी साहब। सब बर्तन खूब रगड़ रगड़ कर चमका दे। मासा को अगर हर चीज चकाचक ना दिखे तो 10 दिन तक मेरा जीना हराम कर देंगी। हे भगवान, कैसी औरत है, सबकी नाक में दम किए रहती है। सीने पर चढ़कर आपको तिल तिल मरते देखे और उसके माथे पर एक सल भी ना आए। जालिम के चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान जमी रहेगी। रगड़ और जोर से रगड़। घिसते घिसते मेरे हाथ छिल गए हैं। अरे लहूलुहान भी हो जाए तो क्या, हर चीज चमचमाती होनी चाहिए, नहीं तो वो खूसट सबसे साफ सुथरी, सबसे समझदार, सबसे ऊंचे घर की कैसी मानी जाएगी। अच्छा हुआ ठाकुर साहब चल बसे, इस बुढ़िया से तो राहत मिली उन्हें। सारे रिश्तेदार आए? बस इसी के, ठाकुर साहब के घर वालों को तो फूटी आंख नहीं सुहाती है। दाह संस्कार तक रुके वे लोग। बस तुम्हारे साथ तो अच्छा ही किया है उसने। हाँ
30 साल उसके चिथड़े धोए, झूठन खाई 30 साल, रात रात आंखों में नींद नहीं आने दी। जब भी उसे खांसी हुई, दिन भर दरवाजों से कान चुपकाए रही, तरारों से आंखें लगाए रही, पड़ोसियों पे जासूसी करके इसे खबर देने। पूरी जिंदगी कट गई एक दूसरे के राज जानकर। हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई, हमारे सब भेद एक दूसरे को मालूम है। पर उससे क्या, डायन है मुई, इसकी तो कोई आंखें कील दे तो अच्छा। थापा भाई, पर मैं तो वफादार कुतिया हूं ना, जल्दी नहीं हूं उससे। है ही क्या उसके पास, सर पर पांच पांच लड़कियां, एक से एक बदसूरत। चलो सावित्री बाई सबको छोड़ दो, जो पहले आदमी से है, उनके बाप की छोड़ी हुई काफी जायदाद है उनके पास, पर औरों के पास कढ़ाई करने को ढेर सारी चादरें और बीसियों लहंगे, पर विरासत के नाम पर पांच फूटी कौड़ियां भी नहीं। भाई मुझे तो कोई उतना ही दे दे जितना उनके पास है। क्यों, हाथ है ना हमारे पास, और जमीन भी है शमशान की चिता जलाने के लिए। सही है, जमीन के नाम पर शमशान ही छोड़ेंगे हम गरीबों के लिए, और क्या। देख देख हाली पे धब्बे, देख अभी तक साफ नहीं हुए और होंगे भी नहीं, चाहे जितना रगड़ लो। तो आरती शुरू हो गई, आरती के बाद जब पुजारी अपनी भारी भारी आवाज में शांति मंत्र पढ़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति पृथ्वी। अरे ने ढाबा भाई, सांस चढ़ जाएगी। अगर सांस चढ़नी है कुछ और करते हुए चले, क्यों। ओहो ये घंटियां, ये घंटियां तो मेरे सर में छेद कर देंगी। चमाते फर्श, शीशम की अलमारियां, चांदी के पलंग, संगमरमर की मूर्तियां, और हम नौकर दिन रात बीसियों बर्तन रगड़ते रहेंगे, इनके घाघरे और ओढ़ने धोते रहेंगे, झाड़ू पोता करते रहेंगे, फिर जाकर अपने मिट्टी के झोपड़ों में सो जाएंगे। पीतल की कटोरी और एक थाली जायदाद के नाम, बस। हे परमात्मा, कब इस गुलामी से छुटकारा मिलेगा। फिर वही टन 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 टन, बचाओ और घंटियां बजाओ, कर लो अपनी आत्मा की शांति। स्वर्ग नरक जहां जगह मिले चले जाओ वहां हमेशा के लिए, और कभी नहीं मिलूंगी दरवाजे के पीछे तब पूछने को।
खामोश। मासा चिल्लाओ मत, शोर कम और काम ज्यादा। चलो उठो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। गरीब और जानवर दोनों एक से, एक ही मिट्टी के बने हुए। दुख तो गरीबों को भी होता है। रोटी के एक टुकड़े के आगे सब भूल जाते हैं। जिंदा रहने के लिए रोटी भी तो चाहिए। इस उम्र में बड़ों के आगे जबान नहीं चलाते। चुप करना। मैं किसी से सबक लेने की आदी नहीं हूं। बैठ जाओ। दमयंती रो मत, अगर आंसू नहीं रोक सकती हो तो अंदर अपने कमरे में जाओ। सुन रही हो? खेत में कटाई शुरू कर दी? कल से। सूरज तो जैसे आग बरसा रहा है। ऐसी गर्मी तो सालों से नहीं पड़ी थी। शरबत तैयार है? जी मासा। मर्दों को दे दो बाहर। उन्होंने बैठक में पीना शुरू भी कर दिया। उनको बाहर के दरवाजे से ही रवाना कर देना। मैं नहीं चाहती वो यहां से गुजरे। हुकुम। मंदिर में नाहर सिंह भी था। कहां था नाहर सिंह? वहां था। सावित्री ने और मैंने तो उसकी मां को देखा। किसी और ने भी नाहर को तो वहां नहीं देखा। मुझे लगा वो वहां था शायद। हाँ, संग्राम सिंह जरूर था। वही रंडुआ जो तुम्हारी जवान मौसी पर दीदे गड़ाए बैठा है, उसको सबने देखा। कैसे कमीनी औरत है, कमीनों से पत्थर। इसके मुंह में जबान नहीं, नश्तर है नश्तर। मंदिर क्यों जाते हैं हम? पूजा करने या मर्दों को घूरने? आंखें सिर्फ तभी उठनी चाहिए जब मूर्ति के दर्शन करने हो। अंदर ही अंदर तो मर्द के कर्माहट के लिए तरस रही है डायन। रुक्मावती, जो छीनता है वही धीरज भी देता है। धीरज रखो। अरे, जिसका कमाने वाला पति गुजर जाए उसकी जिंदगी में रखा ही क्या है। भगवान ही रक्षा करे। ये सब ऊपर वाले की माया है रुक्मावती। धीरज रखो, रोना मत। मैं रोऊंगी नहीं। शोक करना उन्हें कभी पसंद नहीं था। अगर हम रोते रहेंगे तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कोसला है कुसट का। जाओ जाओ और जाके पीठ पीछे बुराइयां करो। हाई ही इसलिए थी। भगवान करे अब सालों तक तुम्हें इस घर की चौखट ना लांगनी पड़े। शिकायत क्यों करती हो? सारा गांव आके गया। हाँ, सब आए थे। अपनी जबानों का जहर और पसीने की बदबू पूरे घर में फैलाने के लिए। मासा, ऐसा मत बोलो। इस मनहूस गांव के बारे में और क्या बोले कोई? एक नदी भी नहीं है, सिर्फ कुएं ही कुएं। पानी पीते भी डर लगता है कहीं जहर ना बुला हो।
पद्मा। जी मासा। एक पंखा तो देना। ये लो। विधवा, विधवा को ये पंखा देती हो? इज्जत करो, अपने गुजरे बाबूसा की इज्जत करो। मेरा ले लो। और तुम्हें? मुझे गर्मी नहीं लग रही। ढूंढ लो एक और, जरूरत पड़ेगी। मातम के इन पांच लंबे सालों में बाहर की हवा का एक झोंका भी नहीं आएगा अंदर इस घर में। समझ लेना, दरवाजे और खिड़कियों को ईंटों से चुन दिया है। मेरे दादोसा के घर में भी ऐसा ही था। तुम लोग कढ़ाई कर सकती हो। मैंने अलमारी से कपड़े के बीज थान निकालकर बाहर रखे हैं, लहंगे और चादरें बनाने के लिए। दमयंती काटकर सबको देगी। ठीक है, दमयंती का क्या? वो 20 क्या 40 थान की भी लहंगे और चादरें काट देगी, सबके लिए फूल पत्ती के नक्शे बना देगी और चाहे तो सबके ऊपर कढ़ाई भी कर देगी। 100 गुना करके पैदा हुई है ना वो तो। नहीं चाहती तो तुम हमारे लहंगों पर कढ़ाई मत करो, सिर्फ अपने पर ही करो। तुम्हारा ही लहंगा सबसे अच्छा दिखने दो। ना मेरा ना तुम्हारा। मैं जानती हूं मेरा ब्याह नहीं होना। मैं बाहर खेत में काम करूंगी, कहीं भी कुछ भी करूंगी, दिन रात इस अंधेरी हवेली की घुटन से बचने के लिए। खामोश। औरत बनी ही इसलिए है। गुनाह है औरत बनकर जन्म लेना। इस घर में जैसा मैं चाहूंगी वही होगा, बस। अब बाप के साये में छिप नहीं सकती हो दौड़कर। औरत के लिए सुई धागा और मर्द के लिए चाबुक और घोड़ा, दुनिया ऐसी ही बनी है, खासकर ऊंचे वंश के लोगों के लिए। हम लोग अंदर चले। हाँ, पर हम सोग में हैं, ये बात मत भूलना। और सर से ओढ़ना ना गिरे। को तहखाने से बाहर ले आओ। मासा, नानी सा को रोके रखना तो बहुत मुश्किल है। 80 साल की उम्र में भी वो बरगद की तरह मजबूत है। सारी सुबह जाने कितनी बार मुंह में कपड़ा ठूस के रखना पड़ा। चिल्लाती है, अरे कोई नाली का पानी दे दो पीने को, भूसा दे दो खाने को। वैसे भी वही तो देती हो। बाहर चबूतरे पर ले जा, ताजी हवा में बैठने दे। हुकम मासा। मासा, उन्होंने अपने सारे गहने निकाल कर पहन लिए हैं, नथ, रखड़ी, और बोलती हैं मैं दुल्हन हूं, मुझे शादी करनी है। उनके साथ जा, देख कहीं कुएं के पास ना पहुंच जाए। नहीं नहीं मासा, आप डरो नहीं, कूदेंगी थोड़ी। मालूम है, लेकिन वहां से पड़ोसी उनका पूरा तमाशा देख सकते हैं। जा। हुकम। सावित्री कहाँ है? मैंने उसको खिड़की में से आंगन में झांकते हुए देखा था, मर्द लोग जा रहे थे ना तब। और तुम वहां क्या कर रही थी? बकरी का मेमना कैसा है, मैं तो वो देखने गई थी। तब तक सब मर्द जा चुके थे? कुछ अभी थे वहां।
सावित्री, सावित्री, कुछ चाहिए मासा? किस लिए और किसको देख रही थी तुम? किसी को भी नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने बड़े घराने की बेटी होकर एक मर्द के पीछे इस तरह दीवानी हो रही हो, वो भी बाप के 13वें के दिन? जवाब दो, किसे घूर रही थी तुम? मैं? हाँ तुम। किसी को भी नहीं। बड़ी भोली बनती है कमबख्त। इधर आ। ले जाओ इसे। चलो चलो। ना समझ है, जानबूझकर नहीं करती, उसे मालूम नहीं क्या कर रही है। पर बुरा तो है। मुझे भी शर्म आई जैसे वो चुपचाप बैठक की तरफ खिसक ली, और फिर वो सब गंदगी जो मर्द उगले जा रहे थे सुनती रही। आपको तो पता है मर्द कैसी कैसी फूहड़ बातें करते हैं। हाँ, इसीलिए आते हैं शोक मनाने। क्या बातें कर रहे थे वो लोग? बादामी के बारे में और क्या? कहते हैं कल रात उसके मर्द को बांध दिया अस्तबल में और बादामी को घोड़े पे बिठा के जंगल ले गए। फिर बादामी ने क्या किया? वो तो मस्ती में मदहोश थी। कहते हैं उसकी काचली खुली थी और बजरंग ने उसे घोड़े पे चढ़ा के अपनी बाहों से घेर रखा था। घोर कलयुग आ गया है। फिर क्या हुआ? होना क्या था? भोर होने तक वो जश्न मनाते रहे। बादामी अपने बाल खोले, जंगली फूलों का ताज पहने वापस लौटी। इसी एक उल्टा ने सारे गांव को बदनाम कर रखा है। वो यहाँ की नहीं है ना, कहीं दूर से आई है। और वो जो उसे उठाकर ले गए वो भी बाहर से आकर बसे मर्द हैं। अपने गांव की पैदाइश में ऐसा मैल नहीं। नहीं, लेकिन देखने का मजा लेना, ऐसी बातें करना और सुन सुनकर चटकारे लेना उन्हें अच्छा लगता है। और भी कई बातें कर रहे थे। कैसी बातें? मेरी तो जान जाती है कहते हुए भी। और सावित्री ने सुना वो सब? हाँ। बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है ये लड़की। इस तरह मर्दों के पीछे क्या क्या नहीं करना पड़ता कि वो थोड़ा संयम सीखे और अवश्य बेकाबू ना हो जाए। आपके छोरियों के ब्याहने की उम्र है, मर्द का साथ चाहिए उनको।
सावित्री भी तो आप 30 की हो गई होंगी। 39। मारे, और अब तक मंगेतर नहीं? हाँ, मंगेतर नहीं, किसी का भी कोई मंगेतर नहीं, और ना ही कभी जरूरत ही महसूस हुई। वो जैसी है बहुत खुश है। आप तो नाहक नाराज हो गए। 100 मील तक उनके लायक लड़का नहीं है कोई। उनकी बराबरी कर सके ऐसे खानदान का पूरे गांव में कोई नहीं। आपको किसी बड़े शहर में चले जाना चाहिए था। किस लिए? उन्हें बेचने के लिए? नहीं मासा, इसलिए कि कुछ बदले। पर किसी बड़े शहर में तो मुकाबले में अपनी छोरियां गरीब ही मानी जाती। जहर मत उगल। आपसे तो कुछ कहना भी मुश्किल है। एक दूसरे के राज हम नहीं रखती आई हमेशा। नहीं, तुम मेरी नौकरानी हो और मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मासा, वकील साहब आए हैं ठाकुर साहब की वसीयत के बारे में बात करने। अच्छा, तुम बैठक की सफाई करो। हुकुम मासा। और तुम जी ठाकुर साहब के कपड़े संदूक में रखना शुरू कर दो। जी, कुछ कपड़े गरीब कुर्बों को दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक धागा भी नहीं। जिन कपड़ों में वो मरे वो भी नहीं। दवाली, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ले ली ना। मैं विश्वास के बिना भी सब करती हूँ आजकल, मशीन की तरह। जब से वो वैद्य जी आए हैं ताजी तो लगने लगी हो। महसूस तो पहले जैसे ही करती हूँ। तुमने देखा, जानकी मंदिर में नहीं थी। मालूम है, उसका आदमी उसको घर की चौखट भी नहीं लाने देता। पहले कितनी अलहड़ थी, कितना साज श्रृंगार, अब तो बालों को ठीक से सुलझाती भी नहीं। समझ में नहीं आता, ब्याह करके आदमी का साया बेहतर या उसके बिना यूं अकेले रहना। सब एक बात है। तो क्या फिर जानकी जिंदगी भर ऐसी रहेगी? ये तो सब कर्मों का फल है। किस औरत को कैसा आदमी मिले उसके बस में थोड़े ही है। जो मर्द मिले उसके साथ रहो जिंदगी भर, बस। कितना विभत्स है। पुरुष की तरफ नजर ना ही उठाओ तो बेहतर है। बचपन से ही मुझे उनसे डर लगता था। मैं उन्हें आंगन में देखती, बैल जोतते, चिल्लाते, इधर से उधर दौड़ते, गेहूं के बोरे ढोते पटकते, पसीने से चिपचिपाता बदन। बहुत डर लगता था बड़ी होने का। लगता था बड़ी हो गई तो उनमें से कोई अचानक पीछे से आकर दबोच लेगा। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे दुबली और बदसूरत बनाया है। अब मुझ पर कोई आशिक होने वाला नहीं। मोमल, मत कहो ऐसा। नंदलाल तो तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुम्हें बहुत पसंद करता था। ऐसे ही उड़ा दिया था किसी ने। बस एक बार भैरू गरड़िया की बेटी के हाथों संदेशा भिजवाया कि वो आएगा। मैं रात भर अपनी गुलाबी पोशाक में खिड़की खोले खड़ी रही, वो नहीं आया। बाद में किसी और से ब्याह कर लिया। दायजे में बहुत पैसा मिला। हाँ, और चुड़ैल जैसी शक्ल। मर्द को शक्ल सूरत से क्या, उसे तो सिर्फ जमीन, बैल, मकान, पैसा और चुपचाप सब सहने वाली गाय चाहिए जो उसके लिए खाना बनाए, उसका पेट भरे। मुमल, क्या चल रहा है? क्यों है? और तू? मैं दुछत्ती में कुछ टटोल रही थी, पता है क्या मिला? बाबूसा की बनाई हुई तस्वीरें, वो बनी छनी और पिछवाई,
याद है बचपन में बरादरी में बैठकर बनाते थे, कितने अच्छे दिन थे ना। चल पहले मेरी बारी। एक दो तीन। ब्याह शादियां याद है, दस दस दिन तक चलती थी और फिर लोग तब इतनी बुराइयां भी नहीं करते थे। कहने को तो लोग आजकल ज्यादा समझदार हो गए हैं, लेकिन मन ही मन कुरते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। पर उन दिनों सचमुच क्या घटता था हमें क्या मालूम, हम तो छोटे थे, हमें क्या पता चलता होगा। चलो एक दो तीन। और मर जाऊंगी ना। चलो एक तो जाएगी। पद्मा कहाँ है? अरे उसकी तो मत पूछ, उसने अपनी नई कुर्ती कांचली और घाघरा पहना, सर पर हरा ओढ़ना ओढ़े बाहर आंगन में गई और बकरे के मेमने से पूछने लगी, देख मेरी तरफ देख, मैं कैसे लग रही हूँ। मुझे तो हंसी आ गई। अरे माँ सागर उसे देख लेती ना तो बस। बेचारी उम्र ही ऐसी है उसकी, सबसे छोटी है ना, अभी उसकी आस टूटी नहीं है। मेरा दिल तो करता है अपना सब कुछ लुटाकर भी उसको खुश देखूं। कितना बज गया? 12 के करीब। इतनी देर हो गई? घंटा बजने ही वाला होगा। अच्छा मालूम है ना? नहीं बनो मत। मुझे सच नहीं मालूम तुम क्या कह रही हो। तुम दोनों मुझसे ज्यादा जानती हो, हमेशा आपस में तो खुसर पुसर करती रहती हो और किसी को उसमें शामिल भी नहीं करती, मतलब नाहर सिंह के बारे में। सारे गांव भर में बात हो रही है, नाहर सावित्री जा से ब्याह करना चाहता है। कल रात घर के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था, जल्दी ही संदेशा भेजेगा पक्का। चलो अच्छा है, नाहर अच्छा आदमी है। हाँ और सावित्री जा के पास जायदाद है। लगता है तुम दोनों में से किसी को खास खुशी नहीं हुई। अरे खुशी की बात तो तब थी अगर वो सावित्री जा की सूरत पर फिदा होकर या उसके प्रेम में पागल होकर रिश्ता भेजता, लेकिन उसका हाथ तो वो पैसे के लिए मांग रहा है। सावित्री जा हमारी बहन है, पर क्या हमें मालूम नहीं कि कितनी बीमार दिखती है? जवानी में भी क्या सूरत थी जो अब रूपवान दिखेगी जब 40 की होने आई। ऐसा जरूरी नहीं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। दमयंती की बात भी तो सही है, अब जब बाबूसा नहीं रहे सावित्री जा की सारी जायदाद जो उनकी हिफाजत में थी उसे मिलेगी, रिश्ते तो आएंगे। पता है नाहर की उम्र क्या है? 25 बरस। गांव का सबसे जवान और रोबीला मर्द है। अरे स्वाभाविक तो ये होता कि वो तेरे लिए आता चंद्रा या फिर पद्मा के लिए जो अब 20 की होगी, ना कि सावित्री जा के लिए जिसे कोई मेल नहीं बैठता। उम्र में इतनी बड़ी और बात भी करेगी तो नाक चढ़ाकर। हो सकता है नाहर को उसकी अदा भाती हो। भोली मत बन, अच्छा जानती हूँ तुझे, बहुत बनती है ना तू। वाह मैं कुछ भी बोलूं माने बनती हूँ।